कोल इंडिया के निवेशकों के लिए अगले एक साल काफी शानदार रहने वाले हैं। जिन निवेशकों ने इसके शेयर खरीदे हैं या खरीदने की सोच रहे हैं, उन्हें एक नहीं बल्कि दो दो फायदा मिल सकता है। जानी मानी ब्रोकरेज फर्म नुआमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक रिपोर्ट में इन फायदों को विस्तार से बताया है। नुआमा ने कहा कि पहला फायदा तो यह है कि कंपनी इस बार अपना अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड देने वाली है। यह डिविडेंड आपको किसी भी बैंक एफडी पर मिलने वाले रिटर्न से कहीं ज्यादा होगा। दूसरा फायदा यह है कि कंपनी के शेयरों में मौजूदा स्तर से करीब 35% तक की और तेजी आने की संभावना दिख रही है, यानी निवेशकों को यह शेयर खरीदने पर अब से 35% का और फायदा हो सकता है। आखिर नुआमा कोल इंडिया के शेयरों पर इतनी बुलिश क्यों है, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। नुआमा का कहना है कि कोल इंडिया के शेयर पर बुलिश होने के तीन मेन कारण हैं। पहला कि कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ में उछाल की मजबूत संभावना है। दूसरा, ई नीलामी की कीमतें बेहतर हुई हैं। और तीसरा कि कंपनी इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में अपना अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड देने वाली है। ब्रोकरेज का कहना है कि सितंबर से अब तक कोल इंडिया के शेयरों में 25% की तेजी आई है। हालांकि इसके बावजूद उसे अगले एक साल में इसमें 35% की और तेजी आने की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी इस छमाही में प्रति शेयर 30 रुपए और अगले वित्त वर्ष में प्रति शेयर 35 रुपए का डिविडेंड बांट सकती है। इस पर विस्तार से बात करने से पहले आइए कोल इंडिया के वॉल्यूम ग्रोथ की बात करते हैं। नुआमा ने कहा कि मानसून का सीजन खत्म हो गया है और अब सर्दियां आने वाली हैं। ऐसे में पानी और पवन ऊर्जा से होने वाली बिजली उत्पादन में कमी आएगी और इसकी भरपाई के लिए कोयले से बनने वाली बिजली यानी थर्मल पावर की मांग बढ़ेगी। देश में औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी के संकेत हैं। साथ ही कोयले की कीमतों में ग्लोबल स्तर पर तेजी आई है। इस सब के चलते दूसरी तिमाही में ई नीलामी प्रीमियम बढ़कर 106% पर पहुंच गया है, जो पहली तिमाही में 54% था। इन सभी पहलुओं को देखते हुए नुआमा ने कोल इंडिया के लिए अपना 12 महीने का टारगेट प्राइस बढ़ाकर 389 रुपए कर दिए हैं। सोमवार 9 अक्टूबर के बंद भाव से यह करीब 35% की तेजी की संभावना जताता है। आज मंगलवार को नुआमा की इस रिपोर्ट के बाद कोल इंडिया के शेयरों में बंपर खरीदारी दिखी और दिन के कारोबार में यह शेयर 303.90 रुपए के अपने 52 हफ्ते के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अब बात करते हैं कोल इंडिया के डिविडेंड यील्ड की। कोल इंडिया की मौजूदा डिविडेंड यील्ड 8.06% है, जो कि काफी अच्छी है। पिछले 12 महीने में कंपनी ने प्रति शेयर 24.25 रुपए का डिविडेंड बांटा है। नुआमा का अनुमान है कि कोल इंडिया इस वित्त वर्ष में 30 रुपए और वित्त वर्ष 2025 में 35 रुपए का डिविडेंड दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा जब कोल इंडिया किसी एक वित्त वर्ष में इतने रुपए डिविडेंड में बांटेगी। ब्रोकरेज ने कहा कि वित्त वर्ष 2024 में 30 रुपए का डिविडेंड भुगतान अंतरिम हो सकता है और इसका पेमेंट दूसरी छमाही में होने की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो कंपनी की डिविडेंड यील्ड बढ़कर 10% या उससे भी अधिक जा सकती है। इतनी बड़ी राशि में डिविडेंड बांटने के पीछे कारण यह है कि कोल इंडिया वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 में करीब 220 और 195 अरब रुपए का फ्री कैश फ्लो पैदा कर सकता है। ब्रोकरेज को निकट भविष्य में कोल इंडिया का इबिट्टा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी औसत से अधिक रहने की उम्मीद है। इस सब को देखते हुए ब्रोकरेज ने कोल इंडिया को बाय रेटिंग दी है। इस खास वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम यहाँ जाते जाते ये साफ करना चाहेंगे कि हमने स्टॉक्स को लेके आपको जो भी राय या टारगेट प्राइस बताया है वो ब्रोकरेज फर्म की खुद की राय है, न कि मनी कंट्रोल की। स्टॉक्स को लेके कोई भी फैसला करने से पहले हमेशा किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और X यानी कि Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।